बब्बू मान ट्रेंड सेटर सी गए, आज सिद्धू मूसे वाले की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। मैं एक गर्ल नोटिस की थी है, राइजिंग फोर्स है तो जो पैशन है वो बहुत सिमिलर है, वो सक्सेसली होवे, वो सिंगिंगली होवे, वो एक्टिंगली होवे, यू नो। जो थोड़ी डेब्यू फिल्म आई सी एकम, अज जो तुमने फिल्म की थी, सिद्धू की डेब्यू फिल्म है, वर्क कल्चर च किन्ना फर्क महसूस किया? वर्क कल्चर च ये डिफरेंस है कि यू नो पहला जब आप करते बहुत वेटिंग अराउंड हों इन टर्म्स ऑफ के लाइटिंग या कैमरा सैटअप करने जो टेक्निकल चीजा होंगे है ना, उन्होंने वेट करना पैंता एंड नाउ के सारे लाइटिंग एंड कैमरामैन इन्ने क्विक हो गए हैं कि असि लाइक यूजली हम सामने कहते हैं कि हरी अप यू नो वी आर रेडी। जो थोड़ी डेब्यू फिल्म आई सी एकम, हाँ जी, तो आज जो तुमने फिल्म की थी, तो सिद्धू की डेब्यू फिल्म है, तो वर्क कल्चर च किन्ना फर्क महसूस किया है हुन तुसी एक्सपीरियंस्ड हो? वर्क कल्चर च ये डिफरेंस है कि यू नो पहला जब आप करते बहुत वेटिंग अराउंड हों इन टर्म्स ऑफ के लाइटिंग या कैमरा सैटअप करने जो टेक्निकल चीजा होंगे है ना, उन्होंने वेट करना पैंता एंड नाउ के सारे लाइटिंग एंड कैमरामैन इन्ने क्विक हो गए हैं कि असि लाइक यूजली हम सामने कहते हैं कि हरी अप यू नो वी आर रेडी है ना। तो टेक्नोलॉजी जी बहुत एडवांस हो गई है, आई वुड से सो, बहुत नेचुरल लाइट ना सारा कुछ होंदा है एंड इन टर्म्स ऑफ अदर वर्क कल्चर इसकी सारे हुन एक उत्सैसिक काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी एक फिल्म बारे नहीं गल कर रही, मैं बाकी फिल्मों बारे भी गल कर रही हूँ कि एक सिस्टम जैस काम कर रहे हैं। आप इदा नहीं करांगे कि एक दिन इन्ने सीन करने हैं तो करने हैं, बेशक आप क्वालिटी ना कॉम्प्रोमाइज कर लीए, हम ना सिर्फ एक दिन क्वालिटी ना कॉम्प्रोमाइज हुआ सी, बट आई डू फील कि आप ओवर वर्क कर लीजा सी समटाइम, ओवर वर्क करना की होंगे कि यू गेट रियली टायर्ड वेरी क्विकली है ना, तो समटाइम्स वो सीन भी इन्ना उभर के नहीं आना जिन्ना आना चाहिए है। विद रेफरेंस टू यर सम स्टूडेंट अपने लाइक वर्किंग आवर्स हम सेट हो गए सी, मतलब इन्ने बजे शुरू करना, उन्ने बजे ही शुरू करना, इन्ने बजे खत्म करना, तो थोड़ा सा सिस्टम बेटर हो गया वर्क कल्चर विच, आई होप इट स्टेज दिस वे। हाँ जी, उस वे बब्बू मान ट्रेंड सेटर सी गए, अज सिद्धू मूसे वाले की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। बेशक बब्बू जी हो गए और विद गॉट सिद्धू दलजीत अमिंदर यू नो, तो इना सारे विच मैं एक गल नोटिस की है, राइजिंग फोर्स है तो जो पैशन है वो बहुत सिमिलर है, वो सक्सेसली होवे, वो सिंगिंगली होवे, वो एक्टिंगली होवे, यू नो एंड आई स्टिल रिमेम्बर जो अभी तू मेरा वा मैं तेरा वा की थी, आई थिंक अमरिंदर के वाज फेयरली न्यू टू एक्टिंग, सो ही वाज स्टिल वो फिगर आउट कर रहे थे कि मैनू मेरा कितने जाके मैं कंफर्टेबल हाँ इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, तो मैंने सिद्धू तो भी वही वाइब आई कि वो फिगर आउट कर रहा है कि मैं किस जोन विच कंफर्टेबल हाँ यू नो, तो फिर थे वो फिल्म लैन गए थे फिगर आउट के अच्छा आ मेरी यूएसपी है इन एक्टिंग, तो इसनों ही मैं खोद निखारांगा एंड इट्स ऑलवेज ब्यूटिफुल टू सी एक कलाकार की जर्नी देखनी एंड मतलब उन्होंने ग्रो करते देखना तो फिर उन्होंने सीखना, आई थिंक आई एम वेरी लकी कि मैंने इतना में बहुत मौके मिले हैं जी दैट मैं स्क्रैच तो ना मतलब शुरुआत तो ना दे नाल शुरू कर सकती हूँ।